प्रिय और सब मम उपजाए। उपजाए माने भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। एक प्रमाण दूसरा ले लो। भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व, अखिल अखिल माने अखिल माने अखिल माने बताओ ने पूछो तुम जो पूछ एक क्षण सुन ले समय बहुत लगाते हो रुक जाओ अब बड़बड़ा रहे हो हम पूछ रहे हैं तब किस आ रहे हो। अखिल माने अखिल माने थोड़े दिन यू पढ़े थोड़े दिन तुम अभी यू पढ़ो फिर तुम धमकी दी। सुनो 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 सुन ले बच्चे को तुम जो पूछते हो तुम जो पूछते हो तो परेशान होने एक पल में उत्तर कर देता है बालक। अब समझ लो हम जो पूछ रहे हैं तुमको उत्तर तुम्हें करने में भी पसीना आ रहा हो यहाँ भी आ रहा। अखिल शब्द का उत्तर क्या है समझो। अखिल विश्व अखिल माने होता संपूर्ण। अखिल विश्व यह मोर उपाया अशबे पर मोरी बराबर दाया। अखिल माने होता है संपूर्ण। संपूर्ण विश्व को पैदा करने वाले भगवान है। तो भगवान जब सृष्टि के सृजन करता है अब पिता से तुमने जोड़ा था तो जब पिता सृजन करता होने पर माता से बड़ा हो सकता है तो फिर भगवान क्या सृजन करता होने पर माता से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए बातें चाहे जितनी बनाओ। अब मैं इसमें जो है अच्छे लोग बैठे हैं व्यास जी कुछ बोल रहे बोले व्यास जी को सुन ले अच्छे तो सब बैठे हैं। आप हैं श्री तुम हो कालीचरण जी ठेकेदार। श्री कालीचरण जी ठेकेदार 51 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में साधुवाद। देखो नीचे वाली तुमने चौपाई पढ़ी पर ऊपर वाली बतासा जैसी खा गए तुम। हाँ देखो हाँ बहुत सुंदर ये अब पूरा समझावे कम ठेका नहीं लिए हमें जितना समझाना उतने समझाते हैं। नहीं तो ठेका वाले हम नहीं है। ठेका वाले अनावश्यक बोलने की आवश्यकता नहीं इसलिए हमने पहले कहा था कि बोलने का काम हमारा और सुनने का तुम्हारा। लेकिन कोई बोलेगा तो हमें फिर कहना पड़ेगा टोकना पड़ेगा नहीं फिर खिल्लू वाला मामला वो हमें पता है कि थोड़ा बहुत तो असर रहता है असर रहती है। चलिए जरा उसको अच्छे लोग बैठे हैं। देखिए इस जगत के रचयिता और इस जगत के पालनहार इस जगत का सृष्टि सृजन करने वाली है आदि शक्ति। भगवान ने स्वयं कहा है व्यास जी जिसमें भगवान अपने विश्व रूप में दर्शन कराता है तो कहता है स्वयं क्या कहता है पहली अर्धाणी में भगवान कह रहा है आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। सारे संसार को किसने पैदा किया आदि शक्ति जेहि जग उपजाया असो अवतरिय मोरी यहा माया। भगवान ने कहा जब मैं धरती में आया तो मैंने एक रूप बनाया और वो रूप मनवंतर है समझना जरा। और कौन है व्यासी स्वयंभू विचार करना ये भी सब परमात्मा के हैं। और जहां तुमने पढ़ा था सब मम प्रिय सब मम उपजाए ये भगवान ये कह रहा है कि इनमें मुझको प्रिय कौन है सबसे अधिक मनुजे मोहि भाये। ये भगवान क्या कर रहा है मनुष्यों में एक अपना प्रेम दिखा रहा है कि मुझको कौन ज्यादा प्रेम मतलब चाहता मैं किसको प्रेम करता हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए पर इनमें सबसे अधिक मनुजे मोहि भाये। ये भगवान बता रहा है तिन बहु द्विज तिन बहु श्रुत धारी माने मुझको मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में वेद पाठी। ये भगवान अपनी ही उपाधि वृक्षि बता रहा है मुझको ये प्रिय है क्यों तो इसलिए
चिंता करे और अधर्म सोरने वाला जो भी है। तो निर्णय क्या निकला? निर्णय ये निकला कि आदि शक्ति ने ही जग को पैदा किया, सृष्टि सृजन करने वाली माया है। चलो ये बात मान लो, अवतरी मोर यह माया, सब माया कर परिवार, ये माया का परिवार है बेटे, इसलिए अपना काम करो। जनता जो है जरूरी है एक बात को प्रमाणित करने के लिए छह चौपाई पढ़ो, एक से उत्तर करो। अब तुम्हारी बात हम माने ले रहे हैं, चलो मान गए। आदि आदि शक्ति ने सारे संसार को उत्पन्न किया, आदि शक्ति ने, लेकिन आदि शक्ति भगवान की क्या है? आदि शक्ति हमारे लिए है, लेकिन आदि शक्ति भगवान के लिए क्या है? वो आदि शक्ति भगवान की ही दासी है, भगवान की ही सेविका है। जहां से आप जोड़ रहे हो, क्या जोड़ा आपने? आदि शक्ति जे जग उपजाया और सोई अवतरे मोर यह माया, भ्रिकुट बिलास जास जग होई तो राम बाम दिस सीता सोई। और सीता राम की कौन है? कौन है? कौन सीता राम की? कौन है? कौन है राम की? तो सीता जी स्वयं इसी इसी जगह कह रही, मिथिला में ही कह रही, सीता जी कह रही, क्या कह रही है? तो कहा जो भगवान शकल उर्वासी, तो करही मोही रघुबर कहे दासी। सीता जी कह रही है कि राम की हम दासी बनना चाहती हैं। आदि शक्ति ने सारे संसार को उत्पन्न किया और आदि शक्ति भगवान की दासी है, तो बड़ा कौन हुआ? देखिए ऐसा है, घूम करके वहीं आ गए, बिना आए वहां काम बनेगा नहीं, चाहे जितना आप चक्कर लगा ले। राम की दासी बनने के लिए ये जो तर्क तुमने दिया है इसको मैं थोड़ा संक्षेप में देता हूँ। राम की दासी हो, राम की पत्नी हो, इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, इसके भी इस बिना शक्ति के उनका कल्याण नहीं है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, मोर मनोरथ जान हुली के। ये क्या है? चौबासी है, जय गज बदन खरानन माता, अर्थात आवश्यकता उसकी भी है। विनय प्रेम बस भैय भवानी, खसिय माल मूरत मुस्कानी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। मैं उठा खड़ा सही करी, हाँ अब उठा के पटक दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में ये रबर जो दिखाया, वीर तातवान बान शान सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें संगी या विश्वास समाज जो चलंकित भय जगत सब पैदा कर आए हैं, याद समझाता हूँ सुबच्चा दशरथ के नंदा ले आसस्ता प्रस्राम लगा मेंगे। एक वाक्य कह करके हम आपकी धारा से जुड़ रहे हैं। आपने कहा आदि शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, आदि शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और हम कहते हैं आदि शक्ति का भी भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। सती मरत हरिशन पर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो बिना यहाँ के, बिना भगवान के काम चलने वाला नहीं है। नारद जी ने ही कहा था जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावी मेट सके। इसलिए ये बातें हमें ना बताओ, उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा उठोगे यदि परशुराम तो अब धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे अगर धनुष संभालेंगे, चक्कर में धनुष कर उठा लेंगे, ये रघुवर शक्खन है नहीं अनेक तो सकते, जगत की चिंतन लज्जा विषम विष्काल खा लेंगे, तुम्हें क्या हो गया है जो करते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते। शंकर जी भावी मेट देते तो आज तोष तुम ऑर्डर दानी आरत अरव दिन जन्मानी ये मिट जाता, इसलिए ध्यान रखा। और राजकुमार अब मेरे भी मन में भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध खिलाया है। या संग्राम दाता काल को घास बनाऊंगा और छीनूंगा ये तेरा थलवार, मिथिला से मार भगाऊंगा। या तेरे समझाता हूँ सब बच्चा दशरथ के नंदन आसस्ता प्रस्राम लगाऊंगा। आज दोस्त तुम ऑर्डर दानी इसलिए नहीं मिटा, एक चौपाई तुमने पढ़ी एक कई हम पढ़ेंगे, इसलिए नहीं मिटा क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा, इसलिए महाराज नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नसनस तुम्हारी। जो शंकर की बात नहीं मानता है उसके लिए हुई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन वो तो पुजारी है शंकर का, फिर काहे होगा हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो शंकर की बात नहीं मानता है, माने सती ने बात नहीं मानी इसलिए हुई है सोई, लेकिन ईमानदारी है कि जो शंकर की बात मानता है
और शंकर के पक्ष नो पर चलता है उसके साथ ये लागू नहीं है कि ऐसे जो राम रचा था उसके लिए क्या लागू है। यदि बाम हो जाए शंकर के बाम हो जाए कोई तो ऐसे ही लगेगा। इसलिए राजकुमार महले भी हठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। अगर हम मैया के दूध पिए तो अपना देर लगाना तुम और यह शेष का भ्रगुलंदर का सजू में जाए बहाना तुम और नहीं खरा खरा पानी चबानी। हमने मैया का भी पिया है और हमने गैया का भी पिया है। लक्ष्मण जी दूद। वैसे देखिए दूध पंडित जी ने ही ज्यादा पिया है। शाम को पूरे 2 लीटर मंगवाया गया था तो 2 लीटर को तुम ज्यादा समझते हो। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री लाल बहादुर गुप्ता जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं और श्री ओम प्रकाश सोनी जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी दोनों विद्वानों के चरणों में साधुवाद। था शांत अभी तक लखन लाल शांत नहीं रह पाएगा। हम मिथिला से के हैं बाबा तो युद्ध न छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अठास श्रोणित से प्यास बुझावेगी और लखन लाल की कुलग्नि में धरा मस्त हो जाएगी। वो रणचंडी है ललकार रही ये कहती स्वयं भगवती है और हो जाओ तैयार बाबा आज तुम्हें चुनौती। देखो ऐसा है दूध में बंटवारा तो इनके हो ही गया है। एक महातारी के 2 लड़का बहुत जुड़वा पैदा हुई गए भरत और क्या नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण है ना। एक माता के गर्भ से 2 बालकों का जन्म होना अर्थात दूध में बंटवारा होना इस सिद्धांत कहता है। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो जुड़वा है ना दोनों एक माता के गर्भ से एक साथ में पैदा हुए हैं। व्यासी मेरा जीवन है मेरा चलना। और आप हैं श्री पप्पू पाटकार रिसोर्ट वाले जिनका रिसोर्ट दीक्षित जी की दूध डेयरी में है। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं पुनः सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। गेंद और टेबल आवाज पत्री करो। बाप क्या बात। मैं मुझे अंगारों से बहन गभी मुझे अंगारों से बहन गभी हम तूफानों से चलते हैं। ये पिया पान यह परसलिए यह भी उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बेरी राह छोड़ जाते जो बेरी ये राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं पर मैं जीवन का दास नहीं। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण जिस पर चलते जिन साधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया। इस कामुनि पूछूं मैं कारण इस कामुनि पूछूं मैं कारण यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई होती है ये मेरा है ये तेरा है ये अपना है ये पराया है यही तो माया है। इस माया को जब हम दूर करेंगे माया को जब दूर करेंगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है यह तेरा है और इसका कर दोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पद पर बढ़ते रहने की प्रबल आस अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाति पंथ। तुम मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। आकाश से एक बूंद चलती है लेकिन वो बूंद भी नहीं जानती है कि मैं कहां जा रही हूं। आकाश से एक बूंद चलती है और वो बूंद नहीं जानती मैं कहां जा रही हूं लेकिन वो जहां गिरती है वहीं मिल जाती है। हाँ नाली में गिरेगी तो नाली में मिलेगी और गंगा में गिरेगी तो गंगा में मिलेगी।
ये बूंद है, इसी तरह ये माया है। संसार में जीव पैदा होता है, उसको ये नहीं मालूम व्यास जी की मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कब जा रहा हूं और किस समय में पैदा होऊंगा, ये वो नहीं जानता। इसलिए आने वालों को सबने देखा है, लेकिन जाने वालों को किसी ने नहीं देखा कि कब कहां कैसे किस समय वो जाएगा। यही है भूमि पर तभा ढावर पानी जन जीवै माया लिपटानी। और जब वो पैदा हो जाता है तो वो कहता है मैं अरु मोरे मोरे मैं अरु मोरे तोरे ते माया दे बस कीने जीवन काया मैं अरु और मोर तोड़ते माया जे बस किन्हें जीव निकाया। और यही जीव है और ये फिरत सदा माया के पेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए लक्ष्मण मेरा चलना बड़ा ही कठिन है। बहने दे माझी बहने दे अब रोक न मुझको बहने दे इन भारी वायु पर बहने दे उन पतझड़ पल पर बहने दे यह माना अथाह दुर्गम सागर यह माना अथाह दुर्गम सागर उन प्रखर लहरियों में बहने थे धंधार बने अगली तबाधाएं यदि आती हो तो वाने थे यदि जाती हो तो जाने थे। ये जीवन है और इस शरीर में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है और ये दोनों शरीर के पहलू हैं। सुख में न राग दुख में न द्वेष सुख में न राग दुख में न द्वेष हो गया पथिक चगनाथों से हो गया पथिक चगनाथों से मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी और झुकना मुझको स्वीकार नहीं यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं पर मैं चलने वाले को भी रुकना पड़ता है और बहने वाले को भी एक न एक दिन रुकना पड़ता है। श्वास आज चल रही है कब रुक जाए कोई जानता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का और साथ देती नहीं यह किसी का। भगवान ने शरीर दिया है ताकि भगवान से जुड़े भगवान का भजन करें देह धरे करिया फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। एक बात और है आचार्यों ने लिखा दुख में सुमिरन सब करें लेकिन सुख में करें न कोई और सुख में सुमिरन जो करें तो फिर दुख का ही का। जब तक घर में व्यवस्था बढ़िया रहती समय पर भोजन समय पर पानी सारी सुख सुविधाएं रहती हैं तब तक भगवान की याद नहीं आती है। और जिस दिन घर में लड़ाई हो जाती है खटपट हो जाती है तो मन होता है मंदिर में बैठे तो कुछ शांति मिलेगी। जब अपनों की ओर से जीव को धक्का लगता है तब भगवान की याद आती है। वही कवि लिखता है
कि बहुत बड़ा परिवार बनाया। बहुत है। इसके बाद व्यास जी हम चरित्र से भी जुड़ेंगे इस काव्य के बाद, क्योंकि पुरानी लीला है तो हम ये चाहते हैं कि कोई प्रसंग छूटने न पाए, सब कुछ होता चले, है ना। तो बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि चार जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के धन कमाने में पूरा समय लगा दिया जीवन का, धन तो यही रह गया। धन तो धरा के मध्य में, धरा माने पृथ्वी, धन तो धरा के मध्य में तेरा धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते हैं। सैन सके सरदर्द, कभी सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सैन सके सरदर्द कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अशत हरि भजन जगत सब सपना। तो हम बहुत देर से बोल रहे हैं, परशुराम जी भी बोल रहे हैं, हम चाहते व्यास जी भी कुछ बोले, चरित्र के अनुसार भी हमारा इनका संवाद होता चले। कहे वे लखनो मुनि सीले तुम्हारा को नहीं जानो वितित संसारा। चलिए जहां से आपने किया है वहीं से हम लगा रहे हैं। आपका सील कौन नहीं जानता है, आपके विषय में तो सब लोग जानते हैं, जितने लोग आपसे जुड़े हैं वो आपके विषय में सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? माता पिता ही उर्ण भय नी के, आपने अपनी माता का गला काट दिया और पिताजी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि माताजी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है इन्होंने। और आप हैं श्री अजय त्रिपाठी जी, श्री अजय त्रिपाठी जी, सौ मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री नरेश सोनी जी इटालिया वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। माता का गला काटा, पिताजी से वरदान मांग लिया, माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, इन्होंने माता जी को नया जीवन दे दिया, तो माता के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्र बाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिता का कंठ काट दिया, तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, इन्होंने पिता को नया जीवन दे दिया, इसलिए पिता के ऋण से उऋण हो गए। अब केवल गुरु जी का ऋण बाकी है, गुरु जी माने शंकर जी, और शंकर जी का टूटा है धनुष, तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मण का गला काट दे तो गुरुजी के ऋण से उऋण हो जाए। सोजन हमें देगी माथे काढ़ा, दिन चल गया बहु प्याजे बहु बाढ़ा। सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गया, दिन बहुत चढ़ गया है, ब्याज ज्यादा ना बढ़े, इसलिए अब आनी अब आनी ये ब्योहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारियों को बुलावे, यहाँ व्यवहारियों की कोई कमी भी नहीं है, लीला प्रेमी गांव है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गयउ प्याज बहु बाढ़ा। थैली खो
शंकर। भगवान शंकर के दो रूप हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, अभवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। श्रद्धा नाम पार्वती, विश्वास राम शंकर। रामलीला ये परंपरा कहते हैं व्यास जी, है ना, परंपरा है ना इसकी, 114 वर्ष पुरानी लीला है और परंपरा के अनुसार चली आ रही है। तब भुजबल में इमाम घाटी पर पाटी है, परंपरा है, चली आ रही है रामलीला, ये परंपरागत है व्यास जी। और मैं बार बार कहा करता हूँ कि रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता, और देखो रामलीला हर गांव में नहीं हो सकती है, रामलीला हर घर घर में नहीं हो सकती है। हाँ, और राम के चरित्र को हर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, राम के चरित्र को हर व्यक्ति देख नहीं सकता है, और राम की कथा को हर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, और राम के चरित्र को गा भी नहीं सकता है, है ना। गाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जे चरित्र ये गावे हरिपद पावे ते न परे भव कूपा। तो रामलीला करने और कराने वाले को स्वयं राम में होना चाहिए, स्वयं राम में होना चाहिए। सी राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर झुक पाने। तो ये रामलीला है, और रामलीला करने और कराने वाले को देखने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है, लाते बातें सब सहनी पड़ती है। कोई पूछ में कपड़ा लपेटता है तो कोई तेल डालता है, है ना, तो कोई आग लगाता है, कोई लाते मारता है, कोई गारी देता है, लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम काज कीन्हे बिन मोई कहां विश्राम। तो कमेटी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, आ जाओ। हाँ, दादी वगैरह सब लोग आमे व्यवहार जो की लेना, बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार भी लेना है और व्यवहार आना भी चाहिए। और आप हैं भाई श्री अंशुल गुप्ता जी, अंशुल गुप्ता जी 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और 101 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित करते हैं, साधुवाद। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा व्यास जी की कमेटी के पदाधिकारी मंच में उपस्थित हो, और श्री आनंद गुरुदेव जी जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, अगर यहाँ पर हो तो जरूर मंच में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, बेवरिया वाला ये प्रसंग है तो आपको आना जरूरी है। अगर यहाँ पर हो तो आइए, आ जाइए, और नहीं तो उनके परिवार के लोग अगर यहाँ पर हैं तो वो भी आ जाए। वाह वाह वाह, उनके हितैषी उनके मित्र हो, आए, बहुत अच्छी बात है। स्थान की पूर्ति करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार नाम महाजन है, व्यवहार नाम शंकर है, और ऐसी दिव्य साउंड सर्विस की व्यवस्था है, दिव्य पंडाल सजाया गया है, बढ़िया साउंड सर्विस है, और बड़े अच्छे कलाकारों की उपस्थिति है यहाँ पर। तो इतनी अच्छी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला को दिखाने के लिए और चरित्र का दर्शनार्थ दर्शन करने के लिए, क्योंकि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरिशंभू न चामन हारे, त्यों न जाने मर्म तुम्हारा। भगवान के रहस्य को कोई जान नहीं सकता। और देखिए हमारे आदरणीय श्री बिमलेश गुरुदेव जी उर्फ भुल्लू भैया अगर यहाँ पर हो तो आप ही मंच में आ जाए। आदरणीय श्री वीर गुरुदेव जी, हाँ, आप में से कोई एक लोग आ जाए। धन्य धन्य ये नगर तुम्हारा, और धन्य यहाँ के वासी, धन्य यहाँ के नर नारी हो, और धन्य यहाँ के घट घट वासी। ये क्या क्या नाम है, क्या नाम? बिल्कुल बहुत सुंदर, अकेले यही आए हैं व्यास जी, तो सब लोग, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, तो इनका जो है ये तो बहुत देर से बैठे हैं कि कोई हमारा साथी आवे। हाँ, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब आनी बेहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, व्यवहार व्यवहार देव, पहले तुम थैली खोलो और व्यवहार देव पूरी कमेटी की ओर से आओ। अब आ जाओ कभी लोग, आ जाओ, कल्याण हो। अभी तक लोग डर रहे थे महाराज कहीं पास में जाए, फरसा ना मार दे। ये व्यवहार बोलिए व्यास जी, हाँ, ये बहुत सुंदर, कल्याण हो, लंबी आयु विजय। गिरधर गोपाल, क्या बात है, नटवर नागर नंदा, बहुत सुंदर गिरधर गोपाल है ये, और बड़ा अच्छा नाम है, इसी नाम से व्यक्ति तरता है, इस राम को माता पिता ने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है, कल्याण हो, मंगलम आशीर्वाद है। वाह बहुत सुंदर, क्या नाम है तुम्हारा? राम सेवक, देखो राम सेवक है ये, है ना, तो ये राम सेवक है, और कोट कोट मुन जतन कराई, अंतर राम की आवत नहीं, ऐसे नाम का अमृत है, कल्याण हो मंगल। और आप हैं
आदरणीय श्री वीर गुरुदेव जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में और इसी प्रस्तुति में श्री राम सेवक जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से और इसी प्रस्तुति में श्री शिव गुरुदेव जी आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा है तो राम जी ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। बचाऊं बिचार